खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, लेकिन सबसे ऊंचा होके जीता है। ये सबसे ऊंचा मेरे जीवन का पल था कि राहुल जी ने और प्रियंका जी ने निर्देश देके पूरे देश में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए भेजा। मेरे पिता की 42 साल की पार्टी जिसकी उन्होंने सेवा की, उसने इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं एक एक रोम मेरा ओतप्रोत है। दूसरी बात, यह लड़ाई धर्म और अधर्म की थी, यह हराम और ईमान की थी, यह सत्य और झूठ की थी। इसमें पार्टियों से ज्यादा हिंदुस्तान की हार या जीत होने वाली थी, इसलिए मैं अटूट अपने देश के साथ खड़ा था और एक ऐसी पार्टी के खिलाफ खड़ा था जिसने इस देश को धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बांटा। और जो वचन दिए थे देश के विकास और प्रोग्रेस के, उससे भगौड़े हो गए प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान के सबसे झूठे प्रधानमंत्री के खिलाफ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जिसने सारे वचन तोड़े और शरण में चला गया उस राष्ट्र धर्म की, जो एक पल भी उसे गवारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि हर तरह से देश के विनाश के, एक अर्थशास्त्री की तरह नहीं, एक व्यर्थ शास्त्री और एक अनर्थ शास्त्री की तरह इस देश का विनाश हुआ। 32 लाख करोड़ रुपया 5 साल में कर्जा चढ़ा, सारी सरकारी कंपनियां मार के, अंबानी और अडानी जो गाना गाते थे, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहां, कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा, राफेल जैसे घटले हुए 60,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिए गए, डीआरडीओ को मार के, रिलायंस को फायदे दिए गए, एचएएल को मार के, भेल को मार के, हर सरकारी कंपनी और सरकारी बैंकों के जो भगौड़े, वो 24 लाख करोड़ रुपए लेके भाग गए। ये 2 लाख करोड़ भी नहीं था यूपीए के समय, और ये सांठ गांठ से ही हुआ। सब संस्थाएं नष्ट हो गई, एक फौज बची थी, फौज की शरण में जाके अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री को किसी पूरे चुनाव में ना एजुकेशन की बात करते हुए देखा, ना हेल्थ की बात करते देखा, ना 2 करोड़ नौकरियां जिसकी वो बात करते थे, 15 लाख रुपए ब्लैक मनी सारी वापस लानी, तुम्हारी जेब में घुसेड़ दूं, मतलब हर चीज से फिर गया था प्रधानमंत्री। सिद्धू साहब ये बताइए, प्रधानमंत्री वहां पे गए बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो ये यात्रा उनकी एक पब्लिसिटी स्टंट है या उनकी आस्था? देखिए, मेरे लिए धर्म भूखे को रोटी खिलाना, रोते हुए को हंसाना, उजड़े हुए को बसाना और समाज की हर बाधा हर रोड़े को हटाना, ये है। प्रधानमंत्री मुझे लगता है मुद्दों से भटक गए हैं, उनके पास दिखाने को कुछ है नहीं। 2 योजनाओं के लिए जाने जाएंगे, नौजवानों के लिए पकौड़ा योजना और अमीरों के लिए भगौड़ा योजना, और मुद्दों से भी भगौड़ा हो गए। साथ में नवजोत कौर आपको नजर आ रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है जो चंडीगढ़ से टिकट चाह रही थी, फिर बाद में कहा कि तो कैप्टन साहब हैं जिन्होंने मेरा टिकट जो है कटवा दिया। उन्होंने कहा मैं जीतूंगी नहीं, पढ़ी लिखी औरत हूं, और सोचिए मेरा टिकट जब इस तरीके से एक महिला होने के नाते काट दिया जाएगा तो क्या ही कहूं।